नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रिपल एस पर। तो आज हम आपसे डिस्कस करेंगे RSM SSB अन्वेक्षक भर्ती 2019 के बारे में। इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन तो ये फॉर्म भर सकते हैं और इसकी एग्ज़ाम डेट कब होगी और इसके क्या है आवेदन फीस और बहुत सी जानकारियाँ जो स्टूडेंट्स के डाउट अक्सर होते हैं वो सब इस वीडियो में आपके सॉल्व किए जाएंगे। अगर उसके बाद भी अगर कोई आपसे आपका डाउट रहता है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस है वो समय समय पर उपलब्ध हो सके। तो चलते हैं उस नोटिफिकेशन के पास जो ऑफिशियल साइट RSMSSB पर जारी हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, तो सबसे पहले तो ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अन्वेक्षक सीधी भर्ती 2019, ये आपको पता है कि कुल पद इसके 62 है, 62 पद है। ये सब तो बेसिक जानकारी आपको पहले ही पता होगी। आगे देखते हैं, आगे है परीक्षा शुल्क। इसका परीक्षा शुल्क क्या है? तो परीक्षा शुल्क सिंपल भाषा में जो सामान्य वर्ग है और OBC वर्ग है उसके लिए 450, उसके बाद 350, और जो SC ST के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 250 रुपये मात्र शुल्क है। ओके, सामान्य वर्ग जनरल OBC के लिए 450 और SC ST के लिए 250 रुपये। और राजस्थान के कॉमन नॉन केमलियर श्रेणी के पिछड़े वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों हेतु 350 रुपये ये है। आगे देखते हैं, आगे इसका आ गया वेतनमान। तो वेतनमान राजस्थान सरकार द्वारा दिए 7वें वेतनमान के अनुसार अन्वेक्षक के पद हेतु मैट्रिक लेवल 10 पर निर्धारित है। 10 मैट्रिक लेवल 10 पर निर्धारित है। सबसे मेन पोर्शन आता है पात्रता एवं शैक्षिक योग्यता का। ये जो मेन पोर्शन है पात्रता एवं शैक्षिक योग्यता, क्योंकि जो RSM SSB ने सीधे तरीके से कोई भी जारी नहीं किया। जैसे सिंपल भाषा में कोई भी नोटिफिकेशन मिलता है तो उसमें लिखा होता है कि +2 पास या फिर 10वीं पास। इसमें ये नहीं दिए, इसमें ओनली सब्जेक्ट दिए हुए हैं। देखिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या सांख्यिकी के साथ स्नातक अथवा कृषि अनुसंधान सांख्यिकी संस्था ICAR का यूनियन प्रमाण पत्र। अब ये हो गया कि गणित या सांख्यिकी के साथ ग्रेजुएशन होनी चाहिए, स्नातक होना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, एक तो गणित मतलब आपकी ग्रेजुएशन हुई हुई हो, उसमें सब्जेक्ट रहा हो गणित या फिर सांख्यिकी। अब सांख्यिकी किस में होता है, तो सांख्यिकी सिंपली किस में होता है, BCom में, और गणित किस में होता है, BSc में। अब ये नहीं है कि BA वाले भी आवेदन नहीं कर सकते, BA वाले भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो ग्रेजुएशन हुई है उसमें सब्जेक्ट गणित या सांख्यिकी का रहा हुआ होना चाहिए, तभी ये आवेदन के लिए पात्र हैं। मतलब मेन देखा जाए तो ये जो वैकेंसी है वो BCom वालों के लिए निकली है, क्योंकि BCom में ही सांख्यिकी स्टैटिक्स का जो सब्जेक्ट होता है वो रहता है और गणित जो रहता है वो BSc में। इन दोनों में से एक भी सब्जेक्ट अगर किसी स्टूडेंट के पास है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। सिंपल भाषा में ये आगे नीचे दिया है कि परंतु ऐसा व्यक्ति जो सीधी भर्ती है तो नियमों या अनुसूचियों में या उल्लेखित पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हता वाले ऐसे पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हो चुका हो, चुकी है या फिर उपस्थित हो रहा हो, वो भी इस पद के लिए आवेदन करने के पात्र होगा। अगर कोई भी स्टूडेंट अब की बार फाइनल ईयर, या तो उसका फाइनल ईयर हो चुका हो और रिजल्ट अभी तक नहीं हुआ हो, वो भी इसके लिए पात्र है, और जहाँ इसका अभी एग्ज़ाम देने वाला हो, जो अभी फरवरी मार्च में एग्ज़ाम होने वाले हैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल के, तो फाइनल के वो एग्ज़ाम देने वाला हो वो भी इसके लिए आवेदन कर सकता है। यह इसकी पात्रता एवं शैक्षिक योग्यता। आपको समझ आ गई होगी, अगर फिर भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ ले। उसके बाद आयु, तो आयु में क्या है कि 1 जनवरी 2020 तक, 1 जनवरी 2020 तक 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो या फिर 80 वर्ष का, 80 वर्ष ना हुआ हो, मतलब 39 ईयर का हुई हो, 80 वर्ष उसके पूरे ना हो, और वो छूट है वो मिलती है SC ST में 5 वर्ष की। उसके बाद परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि, तो 24/1/2019 से 23/2/2019 को मध्य रात्रि 12 बजे तक जमा कराया जा सकता है। मतलब लास्ट डेट आपकी 23 फरवरी है 2019, ठीक है। आगे देखते हैं, परीक्षा का माह एवं दिनांक। तो जो कोई भी सर
कोई भी साइट है वो अपनी दिनांक तो नहीं बता सकती, लेकिन माँ बता सकती है। तो मार्च अप्रैल 2019 इसकी एक्सपेक्टेड जो एग्ज़ाम डेट है, उसकी एग्ज़ाम मंथ है वो दिया हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि इसमें ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा, लेकिन आपको जब तक इसकी ऑफिशियल साइट पे इसकी जो डेट नहीं आ जाती, उसके लिए हिसाब से अपने मार्च अप्रैल मान के ही तैयारी करेंगे। आगे अगर आपका ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करना है कि कोई नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह गलत हो गई है, तो 300 रुपये आप शुल्क भर के उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन, कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल स्टडी स्किल सक्सेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको ज़रूरी इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन है वो मिलते रहें। और अगर आपको ये फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसके PDF चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और इसकी अनदर वीडियो जो इसका सिलेबस है, उसकी एक और वीडियो मैंने डाल रखी है, तो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ।